अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। लेट स्टार्ट, स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1। स्क्वेयर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 2 या स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2। अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च के मुताबिक मैंने कहा था कि जब दोनों रेडिकल में वैल्यूज हों, चाहे वो मल्टीप्लायर हो चाहे डिवाइड हो, तो हम उनको पहले एक रेडिकल साइन में ले आते हैं। तो देखें 18 डिवाइडेड बाय 3.2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे 18 के पहले फैक्टर्स बना लें। प्राइम फैक्टर्स आगे 2.3.3 यानी 2 3 6 6 3 18 डिवाइडेड बाय 3.2। अब देखें ये 2 3 6 और ये 2 3 6 कैंसिल हो गए, ये स्क्वेयर रूट ऑफ 3 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 63। अगेन सबको पहले एक ही रेडिकल में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 21.9 डिवाइडेड बाय 63। अब 21 के प्राइम फैक्टर निकालें, 3 7 21 यानी 3.7, फिर 9 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 3 3 9 और 63 के बनेंगे 3.3.7 यानी 3 3 9 9 7 63। अब देखें 3.3.7 ये कैंसिल हो गया, नीचे भी था, और ये देखें 3.3.7 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ 3 बच गया, वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10 और जी की पावर 15। अगेन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 या 4 देखा था, लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ पे जो इंडेक्स था हमारा वो 5 था और अंदर जो एक्स वाई जी की पावर थी वो होती 6 7 8। अब यहाँ पे देखें उसको हमें उसको ब्रेक करना पड़ा था। यहाँ पे एक्स वाई जी की पावर है 5 10 15 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। इसके अंदर जब यहाँ पे इंडेक्स है और अंदर पावर मल्टीपल्स ऑफ इस इंडेक्स होंगी, तब हमने इनको ब्रेक नहीं करना क्योंकि वो वैसे ही कटिंग में निकल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखें 243 के पहले प्राइम फैक्टर बना लिए, 3.3.3 यानी 5 times 3 आ गया, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जी की पावर 15 ऐसे ही आ गया, होल की पावर 1/5 क्योंकि ये 5 था। तो देखें इंडेक्स फॉर्म में अब था, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्स की पावर 1/5 करके लिखें। अब क्योंकि 5 के मल्टीपल्स हैं, जैसे इनको अंदर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 3 की पावर 5 कर दें और अलग अलग कर दें। तो देखें ये होगा 3 की पावर 5 डॉट एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जी की पावर 15 और होल की पावर 1/5। अब इस रूल के तहत एक पावर अंदर है एक बाहर है, तो इनको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। सो एक्स की पावर 5 होल की पावर 1/5 डॉट एक्स की पावर सॉरी ये 3 की पावर 5 होल की पावर 1/5 फिर एक्स की पावर 5 होल की पावर 1/5 एंड सो ऑन। अब इसकी कटिंग कर दें, ये 5 5 से कैंसिल हो गया, ये भी 5 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 1 5 5 2 10 फिर यहाँ पे 5 1 5 और 5 3 15। तो जो हमारा बच जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर से हमारा 3 बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे y की पावर 2 और यहाँ पे z की पावर 3 विच इज़ द आंसर। तो 3xy2z³। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ये भी इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट में किया था, वहाँ पे फर्क था, वहाँ पे यहाँ पे अब आकर पास क्यूब रूट आ रहा है, तो क्या करेंगे 4/5 एज इट इज़ आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 125 है, लिहाजा हम 125 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 5.5.5। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेते हैं 4/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 कैन बी रिटन एज 4/5 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 5.5.5, क्योंकि 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब, तो हम उसको लिखेंगे 4/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 3। अब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये 5 की 5 से कटिंग कर दें, 5 1 5 5 1, तो 4 1 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, स्क्वेयर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 3। अगेन क्योंकि सब के सब रेडिकल में है, लिहाजा सबको एक ही रेडिकल में पहले अंदर कर लेते हैं। तो ये जगह 21.7.3। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, 21 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3.7 क्योंकि 3 7 21 और फिर 7.3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे पेयरिंग करें, देखिए 7 का पेयर बन गया और एक ये 3 का पेयर बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर.7 का स्क्वेयर, यानी ये 3 का स्क्वायर बन गया और ये 7 का स्क्वायर बन गया। अब इसको अलग अलग कर दें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा,
इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 21। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने ये देखा कि जो सर्ट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, वो अलग अलग होंगे तो उनको हम एक ही रेडिकल में पहले ले आएंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास स्पेस है, टाइम भी है। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। सिंप्लीफाई अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। अगेन पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 45 के, 3.3.5, फिर 20 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2.2.5 और 4 अंडर रूट 5 एज इट इज आ गया। अब हम इनके पेयरिंग बनाएंगे, यानी ये 3 का पेयर बना लेंगे, तो हो जाएगा 3 की पावर 2.5 माइनस ये 3 इंटू ये 2 का पेयर बनेगा 2 की पावर 2.5। और फिर अब इनके स्क्वेयर्स को अलग अलग कर लें, यानी ये 3 का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा और इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 2 6 अंडर रूट 5 और प्लस 4 अंडर रूट 5। अब अगेन सेम स्टार्ट हो गया, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो इनके कोफिशेंट्स को प्लस माइनस कर लेंगे या अंडर रूट 5 को कॉमन करके साइड में निकाल लेंगे, 3 माइनस 6 प्लस 4 और अंडर रूट 5, तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, 1 अंडर रूट 5 यानी अंडर रूट 5 आ गया। पार्ट नंबर 2, 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 300। तो पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें, 12 के प्राइम फैक्टर्स आगे 2.2.3, 27 के आगे 3.3.3, 75 के प्राइम फैक्टर्स आगे 3.5.5 और 300 के फैक्टर्स आगे 2.2.3 मल्टीप्लाइड बाय 5.5। अब इनके वैसे ही स्क्वेयर बना लें, ये 2 का स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वेयर हो जाएगा और फिर ये 2 का स्क्वेयर और 5 का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इनको अलग अलग कर लें, तो 4 इंटू ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट 3 आ गया। इसी तरह ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू अंडर रूट 3। फिर यहाँ से 5 का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 5 15 प्लस, इसी तरह यहाँ से ये 5 का स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और दोनों बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 4 2 8 अंडर रूट 3 प्लस 5 3 15, फिर -3 5 15 और फिर 2 5 10 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर देखें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इसको वैसे ही कैंसिल कर देते हैं हम, क्योंकि प्लस 15 अंडर रूट 3 और ये सॉरी माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 8 8 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 18 अंडर रूट 3, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। अगेन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों सेम स्टार्ट हैं, तो इनके कोफिशेंट्स को ऐड कर लेते हैं, सो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें अगेन यहाँ पे होल नंबर है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें और गोल नंबर को गोल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे 1 है, 1 5 5 आ जाएगा और स्क्वेयर रूट 3 को स्क्वेयर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 3 15 आ गया। पार्ट नंबर 4, 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। अगेन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। अब अगेन होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6 अंडर रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 2। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया, जिसमें हमने ऑपरेशंस किए। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लिहाजा आपसे एंड पे रिक्वेस्ट है कि उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।